जाए इसलिए इनको स्थगित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 5742। एक, सिरोही जिले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा एक स्मारक एवं एक पुरास्थल संरक्षित घोषित है जिसका विवरण प्रशिष्ट एक पर संलग्न है। दो, विगत 3 वर्षों में सिरोही जिले में स्मारक संरक्षण एवं पुनरुद्धार के तहत पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किसी कार्य पर कोई व्यय नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के बरमान का सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी का है और चंद्रावती के अंदर जो खुदाई हुई उसमें 9वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के साक्ष्य मिले हैं, किले हैं, मूर्तियां हैं, स्थापत्य कला है और इससे राजस्थान के इतिहास को समृद्ध होने में सहायता मिलेगी। पिछले साल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया तो उन्होंने 2020 प्रश्न ही पूछ रहा हूँ 2020-21 के बजट में चंद्रावती के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रावती में आप वो पैसा जो पड़ा हुआ है अब इस साल में क्या काम करेंगे और जो सूर्य मंदिर की जो भव्यता है और जो परिसर है उसके संरक्षण के लिए सरकार क्या काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि वर्ष 2020-21 के बजट में चंद्रावती के लिए 49,93,000 रुपये की राशि रखी गई थी। इसमें मंदिरों के चारों ओर बाउंड्री वाल, गेट एवं रेलिंग निर्माण कार्य 21,03,000, जंगल की साफ सफाई 4 लाख, ट्यूबवेल निर्माण 5 लाख, संग्रहालय भवन में विद्युत फिटिंग कार्य 1,50,000, मूर्तियों के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण 8,40,000, पाथवे निर्माण 10 लाख, इस प्रकार मूर्तियों के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण 8,40,000, कुल मिला के 49,93,000 के काम स्वीकृत हुए हैं। फरवरी 2021 में इसका कार्यादेश जारी हो चुका है और अगस्त 2021 तक इन कार्यों को पूर्ण कर दिया जाएगा। जहां तक सूर्य मंदिर का सवाल है, इसके बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव आए नहीं है, आने पर उस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न, श्री अशोक डोगरा, प्रश्न संख्या 237।